स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12 स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन वन विच इज सपोज टू बी एन इजी क्वेश्चन और हम सारे मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे वाइल अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चन ठीक है मैं नॉर्मली हर क्वेश्चन को डबल डिफ्रेंसिएशन से करूंगा पर जहां पे जरूरत होगी फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन से भी फर्स्ट uh, ऑर्डर से भी करेंगे सो डोंट वरी अबाउट इट तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी तो इफ एनी का मतलब है है कि हो सकता मैक्सिमम और मिनिमम ना भी हो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा ठीक है uh, कोई भी ना बने और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाए ठीक है तो कुछ भी हो सकता है सो लेट्स गेट गोइंग and start with the first question. Here it is: f of x is equal to 2x minus 1 का whole square plus 3. तो so, हमने क्या किया? सबसे पहला हमारा rule है कि हमने f dash x निकाल लिया. f dash x निकाला, chain rule लगाया, ठीक है? Differentiation आपको आती है. किसी को कोई भी परेशानी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है. फिर हमारा रूल होता है कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो तो x क्रिटिकल पॉइंट आ गया ये क्रिटिकल पॉइंट ही आया है दोबारा से बोल रहा हूं इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि ये क्रिटिकल पॉइंट आया है मुझे नहीं पता है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है तो हमने दो रूल किए थे या तो नंबर लाइन बनाएंगे या फिर डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे मुझे डबल डिफ्रेंसिएशन ज्यादा आसान लगती है जहां पे क्लियरली विजिबल होता है कि आंसर पता चल जाएगा तो मुझे पता था कि इसकी डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो एट आएगी विच इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है तो पॉजिटिव बन गई तो पॉजिटिव बन गई तो फिर x इज इक्वल टू वन बाई टू बिकम्स द पॉइंट ऑफ मिनिमा और फिर f ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा तो f ऑफ वन बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री विच इज द मिनिमम वैल्यू तो कितना आसान था यहां पे एक चीज मैंने अपनी तरफ से लिख दी है कि क्योंकि सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट था और वो पॉइंट ऑफ मिनिमा बन गया देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू या नो पॉइंट ऑफ मिनिमा तो हमने लिख दिया कि मैक्सिमम वैल्यू uh, ये सिर्फ आपके बताने के लिए है आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। मैं किसी एक भी क्वेश्चन में जल्दी नहीं बचाऊंगा हर क्वेश्चन को उसकी मैरिट पे करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ आता जाए चलिए अब पार्ट टू करते हैं पार्ट क्या है कि तो किस को जीरो के इक्वल पुट करना है जीरो के इक्वल पुट किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री आई अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये तो मुझे पता नहीं है इसको पता लगाने के लिए मैं एफ डबल डैश एक्स करूंगा जो कि एटीन आया बन गया पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जो कि वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस टू ठीक है माइनस टू इज द मिनिमम वैल्यू एंड फंक्शन एफ डज नॉट particular मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया हमारा पार्ट टू चलिए अब चलते हैं हम अपने पार्ट अपने क्वेश्चन के पार्ट थ्री पर अपने पार्ट थ्री पे तो नहीं ठीक है तो लेट्स टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अगर मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो ये आएगी जिसे मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया क्योंकि मुझे पता है डबल डिफरेंशिएशन करनी होगी तो आसानी रहेगी क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैंने इसको जीरो के इक्वल पुट किया जब मैंने जीरो के इक्वल पुट किया तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया क्या वन uh, और एफ डबल डैश एक्स जब मैंने किया तो वो आ गया माइनस टू विच इज लेस देन जीरो ठीक है नेगेटिव आ गया देयर फोर एक्स इज इक्वल टू वन इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव आ गया था ना ये एंड एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वैल्यू डाल दी मैंने जो कि टेन आई है इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैनी पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम तो आ गई मिनिमम के बारे में पता नहीं है और जो क्रिटिकल पॉइंट है वो भी एक ही है आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है अब बात करते हैं पार्ट फोर की ऑफ क्वेश्चन वन। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन जी डैश एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुटिंग जी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो इसके बाद हमारा यहां से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा जो कि x इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है तो g डबल डैश एक्स करेंगे वो भी सिक्स एक्स आ गया तो इसको हमने जीरो के इक्वल मतलब अब हमें पता है हम इंट्रोडक्शन में भी करके आए हैं कि अगर डबल डिफ्रेंसिएशन के साथ कोई वेरिएबल आ जाए तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू फिल की जाती है तो अगर इसमें मैंने जीरो फिल किया तो मेरे पास आ गया जीरो ठीक है फिर मुझे पता नहीं चला कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मैंने लिखा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स एंड विद द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फिर हमने किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और बनाई नंबर लाइन नंबर लाइन में जीरो आया था जीरो के राइट साइड कोई वैल्यू ली और वो उसने एफ डैश एक्स को पॉजिटिव कर दिया जैसे मान लीजिए मैंने वन लिया तो थ्री एक्स स्क्वायर में वन डाला तो थ्री आ गया विच इज पॉजिटिव माइनस वन लिया थ्री तो एक्स में माइनस वन डाला तो वो भी थ्री आ गया इज़ पॉजिटिव सो ठीक है एट एक्स इज इक्वल टू देर फोर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जी डैश सॉरी जी ऑफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ठीक है एंड Hence, it is the point of it is का मतलब hence, it is का मतलब है x is is the point of ये इसका मतलब है आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछिएगा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इस तरह से मैं सॉल्व नहीं करूंगा उसमें आ, मुझे आपको लाइव सॉल्व करके बतानी पड़ेंगी कुछ चीजें तो लेट्स सी जितना मैं सॉल्व कर सकता हूं वो करूंगा बाकी जितना करके दिखाना चाहिए वो साथ साथ में करेंगे सो लेट्स सी लेट्स मूव टू दाइट वेलकम टू द्वेश्चन टू इस तरह के क्वेश्चन को हमने एग्जाम्पल uh, में भी किया है और फिर भी मॉडलर्स uh, वाले क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है तो देखते हैं कि इनमें एक्चुअल में बच्चों को इनिशियली क्वेश्चन कैसे प्रिसीव करते हैं और क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए वो दोनों चीजें देखते हैं एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास मॉडुलस का फंक्शन है तो एज वी नो कि हमें वो री करना पड़ता है री करने का मतलब क्या है कि देखिए अगर तो मॉडुलस के अंदर जो भी टर्म है जैसे ही वो मॉडुलस से बाहर निकलती है वो पॉजिटिव हो जाती है हमें पता है इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है अंदर ये बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी तो बाहर जैसे मैंने बताया हुआ है कि बाहर दो साइन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव अगर तो अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज, तो यूज हो जाता है तो पॉजिटिव यूज हो जाता है तो पॉजिटिव ये टर्म कैसे होगी अगर मैं एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल रखूंगा तो एक्स इज इक्वल टू तो माइनस टू आ जाएगा यानी मैं माइनस टू से माइनस टू या माइनस टू से कोई भी बड़ा नंबर रखना शुरू कर दूं x की वैल्यू में तो ये टर्म जो है अंदर पॉजिटिव रहनी शुरू हो जाएगी ठीक है तो मैंने इस फंक्शन को तोड़ा एक्स प्लस टू माइनस वन किया देखिए मॉड हट गया और बाहर प्लस था तो फिर अंदर प्लस था तो बाहर भी प्लस आ गया तो ये आया ये तभी पॉसिबल है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू फिर फंक्शन दूसरा क्या आएगा अगर अंदर नेगेटिव है तो बाहर भी नेगेटिव रह जाएगा एंड एक्स इज लेस देन माइनस टू फिर हमने केस बनाने शुरू किए Normally यही तो होता है मॉडलस फंक्शन में फिर हमने केस बनाने शुरू किए तो पहला केस हमारे पास क्या आया है पहला केस आया है कि वेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू तो फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू माइनस वन फंक्शन को हमने सॉर्ट किया तो एक्स प्लस वन आ जाएगा फिर एफ डैश एक्स क्या आएगा वन आएगा हियर एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो डबल डिफ्रेंसिएशन कर नहीं सकता वो जीरो आ जाएगी तो करने का फायदा नहीं है और यहां पे एफ डैश एक्स इक्वल जीरो नो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ठीक है अच्छा तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये फिर हिसाब से ये पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन बनना चाहिए लेकिन क्या ये है भी है या नहीं है दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं वेन एक्स इज लेस देन माइनस टू तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन लग जाएगा इसे सॉर्ट किया तो ये आ गया जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस वन यहां पे भी एफ डैश एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई इसका मतलब बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं लिख देते हैं कि देयर फॉर देर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम एग्जिस्ट हैंस दिस फंक्शन डज नॉट एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विच इज रॉन्ग क्योंकि हम लिख देते हैं यहाँ पे देर आर नो क्रिटिकल पॉइंट तो ये सारा कुछ ऐसे नहीं करना चाहिए यहां से हम इसका करेक्ट मैथड समझते हैं और इसको क्लोज करते हैं देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें करना क्या होता है हमें ये पता है कि मॉडुलस एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो पता है हमें ठीक है फिर मैं लिख दूंगा एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था तो मैं यहां लिख दूंगा सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड्स तो अब आप ये देखिए ये मेरे पास क्या आ गया है ये मेरे पास जो गिवन फंक्शन था वही तो आ गया है इसका मतलब ग्रेटर देन माइनस वन है तो ये हमें क्या समझाता है ये हमें ये समझाता है कि ये जो पूरा फंक्शन है ये जो फंक्शन था ये माइनस वन से बड़ा या माइनस वन के इक्वल है इसका मतलब क्या है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन जो कि ये था उसकी वैल्यू माइनस वन है फिर मैं ये लिख दूंगा कि देयर फोर माइनस वन इज दिनिम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन ठीक है जी तो ये तो हमने लिख दिया अच्छा अब आप ये देखिए कि हमने मिनिमम वैल्यू निकाल दी है ठीक है इतना ही पूछा भी गया था मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता कि फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा, तो मिनिमम वैल्यू है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा भी आएगा, आना चाहिए हिसाब से तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है वो कैसे निकालते अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता दिस इज समथिंग एडिशनल आई एम डूइंग फॉर यू अब देखिए अगर आप रिकॉल करेंगे पीछे हम जो भी करके आए हैं तो मिनिमम वैल्यू माइनस वन है ठीक है यानी हम जो गिवन फंक्शन होता था हमारे पास उसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा डालते थे तो मिनिमम वैल्यू आ जाती थी so यहां हम लिखेंगे नाउ फॉर ये एडिशनल है क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये मैं सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं नाउ फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा पुटिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन क्योंकि यही मिनिमम वैल्यू है ना और हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालना है पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो ऐसे क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अब देखिए ध्यान से देखेंगे हम एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास एक्स प्लस टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है तो यहां आ जाएगा एक्स प्लस टू मॉड में इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा देखिए क्योंकि ये जीरो है ठीक है इसलिए अब हमें यहाँ हमें पता है कि मॉड के बाहर प्लस माइनस लगा होता है प्लस माइनस इधर जाएगा तो वो जीरो बन जाएगा तो यहां पे फिर अब मॉड खुल जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा सो so, ये जो बन जाएगा देयर फोर x is equal to minus 2 is the point of minima. Thicke? And the given function, the given function does not have any particular maximum value. ठीक है जी तो इस तरह से मॉडलर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए और यह सारा तरीका होता है मॉडलर्स के क्वेश्चंस को करने का चलिए अब पार्ट टू करते हैं ठीक है और देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है लेट्स सी स्टेटमेंट लिखते हैं अब देखिए जो पहले करके आए थे वही हम करेंगे मॉडलस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मॉडल एक्स प्लस लेस देन इक्वल टू जीरो माइनस मॉडल एक्स प्लस वन प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू थ्री और ये क्या बन गया पूरा फंक्शन बन गया तो ये फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स है तीन से छोटी या तीन के बराबर ही वैल्यू रह सकती है इसका मतलब क्या है कि थ्री इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स तो यहां मैं लिखूंगा देअर फोर जी ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू थ्री अब एक्स्ट्रा की बात कर लेते हैं कि अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो ये फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी होना चाहिए नाउ फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पुटिंग जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है ध्यान से देखेंगे प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ठीक है जी ओ जीरो नहीं यहाँ पे थ्री लिखूंगा सॉरी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो थ्री है तो एफ ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू थ्री आएगा तो ये थ्री और थ्री कट गए सो माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आ गया एक्स प्लस वन इज इक्वल टू अभी भी जीरो आ गया सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन तो देअर फोर X is equal to minus one is the point of maxima and G of X does not have any particular minimum value. Minimum value. सो आई होप ये चीज आपको क्लियर है ठीक है जी ओके जी अब फटाफट से थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट फंक्शन एच ऑफ एक्स है साइन टू एक्स प्लस फाइव तो आप ध्यान रखेंगे कि टू एक्स क्या है टू एक्स जो है वो थीटा है ओके वी नो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा ठीक है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा या तो आप ये लिख लीजिए अगर ये नहीं लिखना तो साइन थीटा इज फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू आर आप लिख सकते हैं ये चीज ठीक है तो अभी तो मैंने ये लिख दिया है तो मैं इसको यही इसको यहीं पर रखूंगा ओके okay. अब यहां पे थीटा क्या है तो थीटा कुछ भी हो क्या फर्क पड़ जाएगा तो यहां थीटा क्या है यहां पे थीटा क्या है टू एक्स है तो स्टिल ये यही रहेगा ठीक है माइनस वन से वन के बीच में ही वैल्यू होती है अब एडिंग फाइव ऑन बोथ साइड्स कर दूंगा मैं माइनस वन प्लस फाइव साइन टू एक्स प्लस फाइव लेस देन इक्वल टू वन प्लस फाइव तो ये आ जाएगा फोर और ये क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये पूरा आप देखिए फंक्शन ही तो बनाना है ठीक है क्योंकि आप इसको अगर क्रिटिकल पॉइंट लेके आने की कोशिश करेंगे तो कैसे लाएंगे इसकी फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे आनी नहीं ठीक है कॉज बन जाएगा वो टू कॉस टू एक्स आ जाएगा फिर सेकेंड डिफ्रेंसियन करेंगे फिर उसने माइनस टू माइनस फोर साइन टू एक्स बन जाएगा फिर नहीं कुछ होना तो बड़ी परेशानी है ठीक है क्रिटिकल पॉइंट तो आया ही नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया है उस केस में हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो यहां से देखिए कि एफ ओफ एक्स चार या चार से बड़ा है छह या छह से छोटा है चलिए अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या करना चाहिए हमें इसमें क्वेश्चन uh, करते करते मुझे ध्यान आया कि ये एच एक्स है नॉट एफ एक्स वो आदत पड़ जाती है ना तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख दूंगा देयर फोर एच ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू सिक्स एंड मिनिमम वैल्यू एज फोर ठीक है चलिए अब बच्चे बोलेंगे सर अब बता अब बताओ कि पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या आएगा कोई बात नहीं जी लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिन बच्चों को ये समझ नहीं आएगी वो इसे छोड़ सकते हैं लेकिन कंपटीशन वाले बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है उन्हें इसे समझना ही होगा तो देखिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास साइन के कुछ कर्व्स ऐसे आती हैं ठीक है ठीके? और कुछ ऐसे आती हैं तो आपको ये पता है कि जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वन होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है ये तो हम सबको पता है ठीक है अब हमें फंक्शन क्या दिया है साइन टू एक्स प्लस फाइव इस फाइव को तो दो मिनट के लिए इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि सिंपल ये तो एक रियल नंबर ऐड कर दिया है हमें यहां पे बात करनी है पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन uh, में भी बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमेशा जो होगा वो एंगल ही होगा ओके okay. तो हमें यहां से पता चल गया कि साइन टू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा साइन पाई बाय टू वैसे वन है मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए साइन टू एक्स वन होना चाहिए ठीक है ओके तो यहां पे आ जाएगा साइन टू एक्स अगर आपको याद हो लास्ट ईयर प्लस वन में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन किए थे तो साइन पाई बाय टू आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ठीक है अच्छा अब पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर निकालना है मुझे पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए साइन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आएगा ठीक है और माइनस वन कहाँ पे होता है ये देखिए साइन यहाँ पे जीरो है यहाँ पे वन है यहाँ पे जीरो होगा यहाँ पे माइनस वन होगा यानी थ्री पाए बाय टू पे तो यहाँ मैं लिख दूंगा साइन टू एक्स इज इक्वल टू साइन थ्री पाए बाय टू पे ठीक है तो टू एक्स क्या हो जाएगा थ्री पाए बाय टू और x क्या हो जाएगा थ्री पा बायर पे इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा ठीक है ये आ, मैं जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन सी बता रहा हूं आपको ऐसा जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने बोला नहीं इसलिए जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये चीजें पता होनी चाहिए हेल्प कर जाती हैं और बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं कई कई बार तो ठीक है हमें पता होना चाहिए एज इट इज ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हाउ एवर आई होप दैट इज क्लियर टू यू अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट पार्ट तो बड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में अब करते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट लेते हैं लिख एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस में साइन फोर एक्स प्लस थ्री तो मॉड दोबारा आ गया अच्छा वी नो दैट ध्यान से देखिएगा साइन थीटा

साइन फोर एक्स और एडिंग थ्री ऑन ऑल साइड्स प्लस थ्री लेस देन वन प्लस थ्री ठीक है अच्छा क्योंकि हमें ये पूरा फंक्शन बनाना है टेकिंग मॉडलस ऑन ऑल साइड्स तो अगर मैं मॉड लूंगा ऑल साइड्स पे तो ये टू का मॉड आ जाएगा लेस देन साइन फोर एक्स प्लस थ्री का मॉड आ जाएगा फोर का मॉड आ जाएगा वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू थी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाना ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा टू लेस लेस देन देन ठीक है है जी क्लियर अच्छा यहां पे फिर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू लेस देन फोर आ गई यानी मैक्सिमम वैल्यू फोर आ गई मिनिमम वैल्यू टू आ गई ये तो एक बात क्लियर हो गई हमें पता भी चल गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात बाद में कर लेंगे लेकिन मैं आपको एक बात बतानी बड़ी जरूरी समझता हूं यहां पे कि अगर यहां कहीं टू के साथ माइनस होता और मैं मॉड लगा देता ठीक है और फिर मॉड के बाद ये प्लस टू आ जाता तो ये गलत हो जाती चीज ठीक है ये गलत हो जाती और ये बहुत गलत होती मैं आपको बताता हूं ये क्यों होता है ऐसे ठीक है ये एक निटिग्रिटीज है वैसे तो हमने इलेवेंथ में ये सीखी है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं लेट से मेरे पास एक नंबर लेता हूं मैं माइनस टेन लेता हूं ठीक है विच इज माइनस टेन ले लेते हैं माइनस टेन विच इज लेस देन वन ठीक है अब आप ये देखिए जैसे यहां पे किया था टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स माइनस टेन लेस देन मॉड वन तो टेन हिसाब से तो फिर यही आ जाएगा ना टेन लेस देन वन और ये तो फिर गलत हो गया तो मॉड में हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास बहुत ध्यान से देखिएगा ये बात तो बेसिकली हमने क्या किया है हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो कि मैं हमेशा से बताता आया हूं कि मॉडल्स की फंक्शनिंग क्या होती है हमने इसको मल्टीप्लाई किया है माइनस वन से ठीक है और हमारा मॉडल्स uh, का रूल होता है कि बाहर माइनस प्लस लगे होते हैं और इनिक्वालिटी में भी आप ये बात समझ के चलिए कि मैं मॉडल्स लगाने का मतलब है मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूं अगर माइनस अंदर लगा हो तो याद रखिएगा यहां लगा नहीं था अगर यहां लगा हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इन इक्वेलिटी का साइन बदल जाएगा यह आपको पता है सो टेन शुड बी ग्रेटर देन यहां पे आ जाना चाहिए था फिर माइनस वन डैट इज हाउ इट शुड और यही चीज यहां पे अगर यहां पे कहीं माइनस लगा होता ठीक है तो मैं मोड लगाता साथ ही में इनक्वालिटीज बदल जाती मेरे कहने का यह मतलब है आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू एक और बात अगर मान लीजिए यहां पे x जो होता वो लेस देन लेट से माइनस टेन होता और पर मुझे तो ये माइनस टेन जो है मुझे पॉजिटिव में चाहिए तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि मुझे इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाना है ना यही मतलब है ना लेकिन अगर मुझे यहां पे मॉडुलस चाहिए ध्यान दीजिएगा अगर नेगेटिव टर्म है तो मैं यहां पे तो मॉडुलस लगा लूंगा ठीक है नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा था मैं तो ये पॉजिटिव टैन बन जाएगा और ये जो साइन ऑफ इनिक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगा गाइज इस बात का खास ध्यान रखिएगा मॉडुलस के क्वेश्चन में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आई होप कि ये जो हमने किया है ये आपको क्लियर हो गया होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर फोर ये चीज समझाने के बाद देयर फोर एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू फोर एंड एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एज़ टू और फिर जब अगर हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है तो फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है अगर हमें तो हमें पता है कि साइन फोर एक्स को इक्वल टू वन लेके आएंगे क्योंकि यही मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी एंगल के अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ये और साइन पाई बाय टू आ जाएगी वैल्यू फोर एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू और एक्स इज इक्वल टू पाई बाय एट ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्मा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है minima, तो फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा तो साइन फोर एक्स आ जाएगा माइनस वन के बराबर और साइन फोर एक्स इज इक्वल टू साइन थ्री पाए बाय टू तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री पाए बाय एट पॉइंट ऑफ मिनिमा ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए चीजें क्लियर हैं बड़ी आसानी से समझ भी आ रही हैं और मजा भी आ रहा है अब करते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट तो नेक्स्ट पेज स्टेटमेंट फटाफट से लिख लेते हैं एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन और आपको ये देखते ही कुछ याद आ गया होगा कि ओपन इंटरवल है हमें पता है कि ओपन इंटरवल में पॉइंटम और point of minima नहीं होते हैं. इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी नहीं आ सकती ये तो हमने देखते ही अंदाजा लगा लिया है जो अगर हमने एग्जाम्पल ध्यान से की है तो।, तो जो हमारी पहले भी बात हुई थी अगर मैं इसे डिफरेंशियट करूं तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा वन को मैं जीरो के इक्वल रख नहीं सकता तो बड़ी दिक्कतें हैं मेरे पास तो और हमारी ये बात हुई थी कि फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स कहां होंगे जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो जाएगा यहां जीरो के इक्वल हो नहीं रहा या फिर वहां पे जहां पे फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशियबल है ठीक है तो नॉन डिफ्रेंशियबल की बात नहीं आ रही यहां पर बच्चे कहते हैं सर पता तो हमें ये है आपने बता दिया है पर इसे लिखना कैसे है तो चलिए ये देखते हैं एच डैश एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा मैं यहां लिखूंगा हेयर एच डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है साथ में लिख देंगे फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन इन ओपन इंटरवल ये भी हम लिख देंगे सारा कुछ साथ में अच्छा फिर लिखेंगे फर्दर आ, ये इसके बाद यहां हम लिख सकते हैं आगे हियर द फंक्शन कैन हैव क्रिटिकल पॉइंट्स पॉइंट्स In the closed interval at the end points, so there is no point for which F of X has minimum or maximum values. So there is नो पॉइंट फॉर विच एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ठीक है सो एफ ऑफ एक्स हैज ना मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू तो ये होगा जी दो क्वेश्चन इनके जितने भी पार्ट थे पहले के चार थे अगले के पांच थे so, लेकिन यहां पे हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ और जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट सॉल्यूशंस इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक टिल देन थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय